कश्मीर में जो सबसे बड़ा हमला हुआ है उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी और बार बार कहा जा रहा था कि 8 से 15 फरवरी के बीच कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं आतंकी। उल्लेखनीय है कि करीब एक माह पहले तैयार हुई इस साजिश के लिए सिर्फ हमले की जगह और उसे अंजाम देने वाला आतंकी हैरान कर देने वाला है। इस हमले में सहृदयता के नाम पर सुरक्षा बलों के काफिले के साथ वादी में नागरिक वाहनों को भी साथ चलने देने की कुछ साल पहले अपनाई गई नीति की भयावहता को साबित किया है और यह एक बड़ी चूक साबित हुई है जिसका फायदा उठाते हुए आतंकी जवानों के काफिले को सुरक्षा घेरे में सेंध लगाने में कामयाब हो गए। हमले के बाद मौके पर पहुंचे IGP SP पानी और IG CRPF जुल्फिकार हसन ने हालांकि सुरक्षा की चूक में इनकार करते हुए कहा कि अभी जांच की जा रही है, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने आतंकियों के संभावित हमले को लेकर जारी अलर्ट की बात को दोहराते हुए कहा कि बार बार कहा जा रहा था कि आतंकी 15 फरवरी तक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। यह अलर्ट 10 दिन पहले भी जारी हुआ था और इसमें कहा गया था कि सुरक्षा बलों के शिविर पर आत्मघाती हमला करने, ग्रेनेड फेंकने के अलावा बड़ी IED विस्फोट की घटना को भी अंजाम दिया जा सकता है और इस अलर्ट के आधार पर रोजाना सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हो रही थी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.